ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर जिला भर में पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हमीरपुर जिला पुलिस बस अड्डा हमीरपुर पर लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और LED लगाएगी। इसके माध्यम से पुलिस विभाग बस अड्डे पर आने जाने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देगा और उन्हें जागरूक करेगा। हमीरपुर जिला भर में पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन ठगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हमीरपुर जिला पुलिस बस अड्डा हमीरपुर पर लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और LED लगाई जाएगी। इसके माध्यम से पुलिस विभाग बस अड्डे पर आने जाने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देगा और उन्हें जागरूक करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी, चोरी, जेब कचरों, ट्रैफिक नियम व अन्य अपराधों के बारे में समय समय पर ऑडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला हमीरपुर में पिछले 3 महीनों से 1 दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए पुलिस विभाग की ओर से बस अड्डे पर LED भी लगाई जाएगी। इसमें अपराधों के तरीकों का वीडियो, ट्रैफिक नियम पालन करने का वीडियो, नियमों के उल्लंघन से होने वाली हानियों का वीडियो और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों का वीडियो दिखाया जाएगा, ताकि वीडियो देखने के बाद लोग वैसी हरकतें करने वाले लोगों से सतर्क रहें और अपराध कम हो। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि बस अड्डा हमीरपुर पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और LED लोगों को अपराधों, ट्रैफिक नियमों और अन्य बातों के बारे में जागरूक करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल ये हमीरपुर बस अड्डे पर स्थापित किए जाएंगे। एक प्लान इस तरह का कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक प्लेसेस, खासकर जैसे कि बस स्टैंड हो गया या फिर कोई बाज़ार के आसपास, हम इस तरह का कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम या पब्लिक स्क्रीन लगाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम जागरूकता के कुछ संदेश जो है लोगों को दे सके। जल्द ही हम हमीरपुर शहर में और नदौन एरिया में कुछ एरिया में ये प्लान कर रहे हैं, इस तरह के कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ऑनलाइन ठगी के अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन और बाकी साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठगी के लिए हमने काफ़ी पीछे सेमिनार भी किए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की, पर लोग फिर भी कई बार जो है केयरलेस हो जाते हैं इस मामले में, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी फिर दोबारा से बताना चाहूँगा कि भी ये अननेसेसरी अगर कोई ऐसा प्रलोभन दे रहा है कि आपका 1,000 रुपया 1 महीने में 1 लाख हो जाएगा या 1 साल में, तो ऐसी कोई भी स्कीम है विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं नहीं होती। अगर कोई आपको मान लो फेक या नकली दस्तावेज़ जिसमें RBI या SEBI या किसी बैंक के डॉक्यूमेंट्स या किसी मैनेजर की डिटेल्स भी मिलती हैं, तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें अपने लोकल बैंक से, और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो उस पर हम कंप्लेंट भी दायर करेंगे, पर ये FIR दायर करेंगे, पर ये अननेसेसरी अपनी गलती या अपनी लापरवाही के कारण अगर ये कोई ठगी होती है तो उस समय वो डायरेक्टली बैंक में रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक वालों की मैंडेट है कि वो इसका हल जो है 48 घंटे के अंदर अंदर निकालें, तो अवेयर रहना और केयरफुल रहना अपने पैसों के मामले में खासकर, और एक बार अगर मान लो आप किसी ट्रैप में फंस ही जाते हैं, अगर लालच में आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ये धोखाधड़ी हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैंक अथॉरिटीज़ और पुलिस को बताएं, ताकि इसमें और फ्रॉड ना बढ़े।